आज का फाइनल मैच इसमें खेलेंगे केमार्ट करीमनगर और उसके मुकाबले में है एस सी बेलकटेल को 2024 का कोलाबेरिया फुटबॉल टूर्नामेंट महाकुंभ जो राशि के तौर पर है 5 लाख 3.5 लाख है और 1.5 लाख है। इस समय एक परिचय हो गया प्रकाश, निश्चित तौर पर दलित टीम बेहतरीन फुटबॉल खेली थी और 8 टीमों में जो सर्वश्रेष्ठ टीम के तौर पर हमारे बीच आई थी वो टीम है दिख हमारे मंच के दाहिने के मारी करीम ने ऑरेंज और ग्रीन कलर की जर्सी आज प्रकाश बता रहे हैं जो दर्शक साथियों को मंच की बाएं और सफेद और काले पोशाक पर जो टीम नजर आ रहे हैं नारंगी सफेद और काला ये है एसी ब्लैक को दोनों टीमों में विदेशी खिलाड़ियों का समावेश है। एक तरफ यूसुफ नजर आ रहे हैं, इसराइल नजर आ रहे हैं तो वही उनके प्रतिनिधि टीम के बात करें तो एक तरफ तूफानो यूसुफ नजर आते हुए और अगर देखा जाए कल के बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल के मैच में जब फाइनल तक का सफरनामा तय किए थे 3-0 की बड़ी बढ़त बनाए थे इसमें दोनों बेहतर टीमें हमारे बीच मैदान के बीचों बीच खेल रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि वह यहाँ से कौन सा टीम बेस्ट टीम के तौर पर हमारे बीच लेकर आएंगे क्योंकि कल एक टीम बेहतरीन फुटबॉल खेली हर बार अपने विपक्षी को चारों खाने चित किया था और बेस्ट टीम बनकर हमारे बीच आए थे फाइनल में प्रवेश किया था। वही आज एक टीम की बात करें तो एसी ब्लैक दोस्ता कमरा देखी थी सुनने में ये पहली बार ऐसा है जब 5 लाख की इनाम राशि आपको प्रथम पुरस्कार के तौर पर दिए जा रहे हैं। उस समय अगर देखा जाए तो बेहतरीन मौका हो सकता है लेकिन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात करें एक है कोरमा एक है इसराइल और चलिए दो फॉरेनर प्लेयर हैं इसमें अगर बात करें एसी ब्लैक में बाकी सब हमारे देसी बॉयज हैं और करीम नगर भैया की बात करें प्रकाश तो यहाँ भी 3 दिखाई पड़ रहे फॉरनर जस्ट नंबर 7 पर यूसुफ जस्ट नंबर 6 पर सोफानो और जस्ट नंबर 10 पर मैथ्यूज ये के मार्टिन 2024 का सबसे अंतिम मैच और आखिरी मैच के तौर पर और बिल्कुल ये मिस तय करेगा कि कौन सा टीम इस टूर्नामेंट की विजेता बनेगा और कौन सा टीम विजेता बनेगा रनर अप और विनर का डिसीजन ये मैच लेगा और निश्चित तौर पर दोनों टीम भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि दोनों टीमों ने जब इतना अच्छा खेलकर प्रदर्शन दिखाया है तो कहीं न कहीं इस टूर्नामेंट के बेकार बादशाह बनने का प्रयास करेंगे दोनों टीम सर के मैच की बात करें या फिर उनका अपनी टीम मैसी ब्लेसी टेल्को की बात करें तो फिलहाल एक मेरे ख्याल से कॉर्नर किक का लाभ मिल रहा है अच्छी किक और इसी के साथ गोल करने में सफल होते हुए ऐसी ब्लैक चल को के लिए पहला गोल हेडर के जरिए आया है मौका है अभी भी इस मैदान का प्रकाश दो दो गोल हम लोग बराबरी करते दिखे हैं टीमों को इस समय शुरुआती क्षण है यूसुफ जो पीछे गेम में आगे थोड़ा सा मेहनत करने जा सकता है बात करें मैथ्यूज की बात करें तूफानों की तो चलिए अब कहीं ना कहीं रोमांच और बचेगा तो एक टीम चाहेंगे कि जो बढ़त बनाई गई है इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए फिर कम से कम इस बढ़त को बरकरार रखा जाए वो एक टीम की कोशिश होगी यदि एम आर करीम नगर चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए चल बल कौशल का प्रयोग करते हुए अपने आप को इस बीच में लेवल पे मिशन करवाने का अक्सर प्रयास करेंगे इसलिए देखना कि किस टीम की आशाएं होती है पूरी और किस टीम के
और आप सभी की अगर ईमानदारी उस परिस्थिति से इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन हो रहा है, इसके लिए हम कमेटी आप सभी का आभार भी प्रकट करते हैं। कल से लेकर आज तक जो आपका सहयोग रहा, बिल्कुल बिल्कुल एक सराहनीय सहयोग आप सभी का हमारी कमेटी को मिल रहा है, इसके लिए कमेटी प्रति आप सभी के प्रति शुक्रिया अदा करती हूँ। फिलहाल एक मौका बना है केम आर टी अलीमनगर के लिए, लेकिन फिलहाल गेम को लेने में सफल हुए हैं एसी ब्लेक्टर। एक बार मौका बनेगा या फिर दूर से की चाहिए थी, डिफेंडर मौजूद थे, बाकी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। संजय जंगारे जंगारे तोड़ देंगे फाड़ देंगे। और इस बार रन आते हुए मैथ्यूज जसी नंबर 15 पर नजर आते हुए चंद्रा, अच्छी गेंद कह रहे हैं क्योंकि जो लाइन ब्लॉक हुई है थोड़ा सा दिक्कत, और ये लाइन क्लियर भी नहीं हो सकती है। गोल की पोस्टर देखो, कर पाऊं मैं देखो। अच्छी गेंद, अच्छा कमजोर आई है, इस तरह से स्लिप किया गया था गलत चाल। उन्हें एक बार रामचंद्र, अच्छी गेंद, मौका बनेगा, किक भी आई, जगह बनाया, किक आई और और हर बार अपनी टीम के जीत में इनकी भी काफी अहम योगदान रही है। तो एक बार और फिलहाल अगर अखिल मैडी के नजरिए से देखा जाए तो उनके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेवारी है इस बढ़त को बरकरार रखने की, और इस बार भी प्रयास किया। बेहतरीन फुटबॉल खेली थी और इसी का परिणाम है कि इनकी टीम फाइनल में प्रवेश किए हैं। फिलहाल थोड़ी सी दबाव की स्थिति इनकी टीम के ऊपर, एक गोल से पीछे चल रहे हैं केएम आर करीमनगर की टीम, और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष दिखाया है वाकई ये जो एक फाइनल मैच की जो बादशाहत वाली फुटबॉल होनी चाहिए वो फिलहाल हमें देखने को मिला है। अभी तक हार नहीं माने हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर नहीं झलक रहा है और निश्चित तौर पर बारंबार अपने आप को बराबरी की स्थिति में लाने का प्रयास किए जा रहे हैं के मार्ट करीमनगर के खिलाड़ी के द्वारा। और इस समय अगर देखा जाए एक गोल की बढ़त को बना रखते हुए फिलहाल रामचंद्र बाबू की काफी सुंदर चेस्ट के सहारे साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की गई थी। तो एक बार फुल चांस गेंद के साथ, लेकिन फिलहाल गेंद के लिए सफल हुए थे। एक बार थोड़ी सी पीछे की स्पर्धा बनेगा, टक्कर आगे जाने के कारण अच्छी ताली, अच्छी गेंद को एक बार बीजू पांचों के लिए डाली गई, लेकिन गेंद की गति थोड़ी सी ज्यादा रही और गेंद से सुरक्षा का, सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रकाश में बार बार दर्शकों से निवेदन करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं। चेंज है कुछ, चलिए शक्ति दीजिए घोड़ा वाला और बक्सों में फिलहाल मैदान। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी दर्शक छत पर चढ़े, खास करके छत पर चढ़े, हम लोगों से निवेदन है
कि जब फाइनल मैच खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोग नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आइए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो घटना है जो नहीं चाहते हैं हम लोग। और कोलकाता क्षेत्र में अपना अच्छा नाम रखते हैं भाई। गति तो लेकिन एक सीधे पोस्ट पर रखने का प्रयास, हालांकि बिरजू के हेडर आते हैं। एक उसी कदकाठी वाले डिफेंडर हैं और हमेशा अपने उसी कदकाठी का लाभ लेने का प्रयास रहता है बिरजू पात्रों का। और कल से लेकर आज तक उन्होंने बेहतरीन डिफेंसिव करी है अपनी टीम के लिए, टीम को सिर दिलाने में इनका भी एक अहम योगदान रहता है, क्योंकि संगठन भी हमने देखा था कि केएमआर की टीम गोल कर रही थी, लेकिन उस गोल को बरकरार रखने के, उस बढ़त को बरकरार रखने का जिम्मेदारी इन्हीं डिफेंस लाइन के डिफेंडरों की थी। इसलिए डिफेंस लाइन के सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन का लेकिन बहुत अच्छा बचाव सुरेश, अच्छी गेंद। फिलहाल काफी तेज गति से आगे बढ़ते हुए केएमआर करीमनगर की काई, लेकिन आज इजराइल के डिफेंस की जितनी भी तारीफ की जाए संकट उतना ही कम। चरण वंदन करते हुए उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफलता की कदम चुनी है। आप सब उनका अपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये सिर्फ दो दिन का ही फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं होता, इसके पीछे नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 महीने का अथक प्रयास होता है। तन मन धन और समर्थन की भावना के साथ सभी दर्शक काफी परिश्रम करते हैं टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े टूर्नामेंट का लगभग सफल आयोजन करने के बिल्कुल इनके कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि समापन वेला है, ये फाइनल का मैच खेला जा रहा है। और जिस तरह से कल से लेकर आज तक सभी दर्शक हमारे बीच उपस्थित होकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं को निभा रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी दर्शक भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं संगर कोई छत पर चढ़ा, कोई पेड़ पर चढ़ करके इसे मैच का आनंद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर आज धन्यवाद योग्य है और इन्हीं के अथक प्रयास, अथक सहयोग की बदौलत ही हम लोग इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के लिए अंतिम तनाव पर पहुंचे। फिलहाल साथ यहां पर संदीप बाले, एक बेहतरीन खिलाड़ी सुनील सोरेन, बिरजू पात्रो, अच्छी गेंद संदीप बाले के लिए, अच्छी क्रॉस की उम्मीद करेंगे, क्रॉस भी आई लेकिन गेंद चले गई फोन, एक बार पहले ही गेंद एयर में बाहर जा चुकी थी, निर्णायक के इशारा रहा कि गेंद चली एयर में चली गई थी। चेंज से फिलहाल एक वापसी करते हुए एक गोल की बढ़त को दुगना करना चाहते हैं, दो गोल देख रहे हैं फिलहाल, कामयाब मौका बनेगा इसकी है इस खिलाड़ी के पास। और जब जब सर दो दो नाइजीरियन प्लेयर आपस में आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का स्किल देखते ही बनता है। और इस बार गति देते हुए केएमआर करीमनगर, मौका बनेगा इस बार, बहुत ही सुंदर गेंद सुनील सोरेन, मौका बना के कदम में अच्छी गेंद निकालने का प्रयास, जगह खोजते हुए और जिस तरह से खिलाड़ी को सोच विचार करने के बाद संदीप को किक करने का मौका दिया, जमीनी स्तर पर तमाम हमारे दो तरफ से अतिथिगण, होटल वाले, ठेले वाले, जितने भी लोगों का सहयोग रहा इस बार, इस बार लेकिन इस बार विश्वनाथ मुर्मू अच्छी विचार, कब्जा बॉल कृष्णा फिर से, और ये अंतिम मौका हो सकता है संदीप माली गेंद के साथ,
लेकिन गेंद निकालने में असफल रहे। अच्छी ब्लॉक है यहां पर वासित के द्वारा। राजू सपोर्ट करो राजू। हां ठीक है सपोर्ट करो। जमीनी गेंद मौका बनेगा लेकिन यहां भी चूके अंतिम समय में मौका बन सकता था। बार बार गलतियां किए जा रहे हैं यहाँ पर गेंद मार्ट के खिलाड़ियों के द्वारा। खिलाड़ी एक मौका बनेगा जरूर और बाकी का कम इजराइल ने दिया किया है काफी विध्वंसक नजर आ रहा है कभी कभी ऐसे इजराइल जालमी जाता है इसी तरह से प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल प्रकाश इस समय का देखा जाए इजराइल का नाम काफी बहुत ही सुंदर है ये अंतिम। मैं तो कहता हूँ कि 30 सेकंड की बात है या तो मिनटों का समय। अच्छी गेंद बॉक्स पर रखने का प्रयास लेकिन हेडर के जरिए गेंद को क्लियर करने में सफल होते हुए डिफेंडर। अभी तक का प्रदर्शन बेहतरीन और क्या ही गोल कीपिंग एक नंबर बॉडी। और दर्शकों की तालियां इस बात का सबूत है कि मैच निश्चित तौर पर लखीरा मार्डे ने बेहतरीन गोल कीपिंग का प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल हवा में चंप लगाते हुए जिसे हम लोग प्रकाश डाइविंग करते हैं। बिल्कुल डाइव लगाकर गेंद को कैच करना गैदर करना बड़ी ही एक कॉन्फिडेंस से ये आपसे गति दे रहे हैं कि कम से कम एक की बराबरी आ जाए। ये नहीं मिला है इसी लेकर दूसरी ओर से अच्छी क्रॉस बहुत ही सुंदर मौका था लेकिन इजराइल के पीछे कोई पर राजू भैया दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचने में सफल हो गए। एक बार मौका बनेगा गति के साथ बाएं छोर से यहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट हुई। गेंद निकालने में कामयाब फिर से एक बार गति थी। ओके फाउल लेता अब अगले ओके फाउल ले टेंशन होसे नेक्स्ट टाइम फाउल ना दे ना फाउल ले ले दिबे ठेलाटा लेबक ना पड़ी हो सक्त ओ ए इटा असली मजा इटा गोल होलियो 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 हॉकी है फिजिकल प्लेयर बहुत अच्छे डिफेंडर जमीनी गेंद मौका बनेगा वह थोड़ा पीछे आ जाए आप लोग मैदान के अंदर खेलकर गेंद चली गई और इसी के साथ खेल